मिलिए रवि से, एक छोटा लायन टेल्ड मकैक। इस बच्चे के लिए जंगल में बड़ा होना एक बेहद रोमांचक सफर है। इस एज में ये अपनी माँ के पास ही रहता है, लेकिन यहाँ के बदलते हालातों में इसे जीने के लिए यहाँ के सारे उसूल सीखने होंगे। रवि का परिवार आमतौर पर पेड़ों पर ही रहता है, लेकिन जंगल कम होते जा रहे हैं, तो रवि का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा इस बदलती दुनिया के मुताबिक ढलना। ये है वेस्टर्न घाट्स। ये विशाल माउंटेन रेंज 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। ये मुंबई के पास से शुरू होती है और इंडिया के पश्चिमी सरहद से होती हुई सबसे दक्षिणी छोर तक जाती है। इन पहाड़ों के पास ही वालपराई नाम का एक शहर है। इन प्राचीन पहाड़ी इलाकों में इतने किस्म के जीव जंतु रहते हैं जितने शायद ही कहीं और होंगे। इन रेन फॉरेस्ट में 300 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। यहां पर कुछ ऐसे प्राइमेट्स भी हैं जो लुप्त होने के बेहद करीब हैं। जैसे लायन टेल्ड मकैक्स। आज पूरे इंडिया में इनकी तादाद 4,000 से भी कम है। इस विशाल झुंड में 40 बंदर हैं। ये किसी भी आम झुंड के मुकाबले दोगुना बड़ा है। इनका परिवार अभी भी बढ़ रहा है। ये है नन्हा रवि। ये कुछ ही हफ्ते पहले पैदा हुआ है और अपनी मां मिंडी के करीब ही रहता है। कभी कभी ये अपनी मां से थोड़ा दूर चला जाता है और आसपास की दुनिया को समझने की पूरी कोशिश करता है, जैसे सारे चंचल बच्चे होते हैं। आज रवि और उसकी बहन के पास एक नए रोमांचक इलाके को देखने का मौका है, जहां पर जंगल खत्म होता जा रहा है। ये चंचल भाई बहन अपने बड़े कजिन्स को देखकर सीख रहे हैं, जो अब अपना खाना खुद ढूंढकर खाने लगे हैं। एक अडल्ट को कमाल की चीज मिली है, प्रोटीन से भरा हुआ कीड़ा। ये मकैक्स को बहुत पसंद है। रवि देख रहा है कि जंगल में क्या पड़ा मिल सकता है। फिर वो जल्द ही मिंडी के पास लौटकर दूध पीने लगता है। रवि की मां के जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करके इतना खाना खाना पड़ता है कि दोनों के लिए दूध बना पाए।
इस झुंड ने यहां पर मौजूद सारा खाना खा लिया है। ज़ीन तय करता है कि अब सबको आराम करना चाहिए। रवि और नीना को धीरे धीरे अपने झुंड के रोज के कामों की जानकारी और आदत हो गई है। ये ज्यादातर वक्त एक दूसरे के बाल साफ करते हैं। उनमें से जुए, कीड़े और डंडियां निकालते हैं। लेकिन इससे ये सिर्फ साफ ही नहीं रहते, इससे झुंड में सबका एक दूसरे के साथ रिश्ता मजबूत होता है और प्यार बना रहता है। दोनों बच्चे भी देखकर सीख रहे हैं। उनके पिता ज़ेन को हमेशा सबसे ज्यादा साफ किया जाता है। झुंड में ऊंचे दर्जे के सदस्यों को नीचे दर्जे के बंदरों के मुकाबले ज्यादा साफ किया जाता है। छोटे बच्चों की माएं भी इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं। लेकिन बच्चे उन्हें मौका ही नहीं देते। मिंडी को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। रवि हर दिन और ज्यादा बहादुर बनता जा रहा है। नीना उतनी जाबाज नहीं है और मां के पास ही रहती है। रवि अपने कजन्स को खेलते हुए देखता है। लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। उसके बजाय वो पेड़ों पर चढ़ना सीखने लगता है। ये रवि के लिए बहुत ही रोमांचक काम था। लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। रवि और नीना दिन का 70% वक्त दूध पीते हुए बिताते हैं। उन्हें बीच में ही रुकना पड़ता है। एक पुकार सुनकर सब चौकन्ने हो जाते हैं। ज़ेन को कुछ दिखाई दिया है। एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा। ये सांप आधे मीटर से भी कम लंबा है, यानी अभी ये बच्चा ही है। लेकिन अभी भी इतना खतरनाक है कि बंदरों की जान ले सकता है। और उत्सुक बच्चे इसके करीब जाकर उसका शिकार हो सकते हैं। पूरा झुंड मिलकर काम करता है। मिंडी रवि और नीना को सांप से दूर ही रखती है और दूसरे एडल्ट्स मिलकर सांप को डराकर भगाना चाहते हैं। इस कोबरा ने अपना फन उठाया, यानी ये हमले के लिए तैयार है। लेकिन बंदरों की मेहनत रंग लाती है।
और वो सांप एक गिरे हुए पेड़ के नीचे चला जाता है। अब खतरा टल चुका है तो सबकी जान में जान आती है। रवि ने आज एक खास पुकार के बारे में सीखा है जिससे आगे जाकर उसकी खुद की जान बच सकती है। वो अपने पिता जेन को देख रहा है। आगे जाके रवि को उनके जैसा ही तो बनना है, मजबूत लीडर जो परिवार की हिफाजत करता है। अब जब खतरा टल गया है तो जेन झुंड को वापस पेड़ों के ऊपर ले जाता है। ऊपर टहनियों में रवि को एक और हैरतअंगेज नजारा देखने को मिलेगा। इस बार इनके सामने कोई खतरा नहीं है, ये है बॉनेट मकैक्स। इनके अच्छे वाले पड़ोसी जो शहर के बाहरी इलाके में रहते हैं और वो चीजें खाते हैं जो इंसान खाते हैं। ये लाइन टेल्ड मकैक्स समझ जाते हैं कि उनके ये दूर के रिश्तेदार उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो अपने शहरी कजन्स का स्वागत करते हैं, यहां तक कि ये एक दूसरे को साफ भी करते हैं। रवि के झुंड के उलट बॉनेट मकैक्स बदलती दुनिया के मुताबिक अच्छे से ढल पाए हैं, इसलिए इनकी आबादी ज्यादा है और वो ज्यादा जगहों पर पाए जाते हैं। रवि और नीना ये सीख रहे हैं कि जंगल के सभी जानवर खतरनाक नहीं होते। कुछ उनके दोस्त भी हैं। वेस्टर्न घाट्स में सब पर मॉनसून की बारिश का गहरा असर होता है जो दक्षिण पश्चिम इलाके से आती है। ये पहाड़ बारिश लाने वाले मॉनसून के बादलों के रास्ते में आकर यहां के मौसम पर गहरा असर डालते हैं। इस गर्म और नमी वाले मौसम की वजह से ही इंडिया के इस हिस्से में इतने ज्यादा किस्म के जीव हैं जितने शायद ही कहीं और होंगे। लेकिन इस साल थोड़ी परेशानी हो गई है। जून का महीना है और अब तक मॉनसून की बारिश हो जानी चाहिए थी, ज्यादातर पेड़ों पर तब तक फल नहीं लगेंगे जब तक उन्हें ढेर सारा पानी नहीं मिल जाता। अगर मिंडी को भरपेट खाना नहीं मिला तो वो ज्यादा दूध नहीं बना पाएगी। रवि और नीना जितना बढ़ रहे हैं उसके साथ ही उनकी खुराक भी बढ़ती जा रही है। Thank you.
रवि की बहन हमेशा माँ के साथ ही रहेगी, मगर वो नहीं रह पाएगा। एक दिन वो इस झुंड को छोड़कर चला जाएगा और दूसरे नरों के साथ रहेगा, और शायद एक दिन अपना खुद का परिवार बना पाएगा। नीना अपनी माँ के साथ ही रहेगी। मिंडी खाना ढूंढ रही है और रवि उसे देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। आज मिंडी को सिर्फ कुछ सूखी हस्क्स मिली हैं। उसकी मां बिजी है और रवि फिर से कुछ रोमांचक करने लगता है। उसे ऊपर चढ़ता हुआ देखकर दर्शक जमा हो जाते हैं। ये है रवि की मौसी और इसके अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, और ये देखना चाहती है कि बच्चों को पालना कैसा लगता है। मगर इसमें मां जैसी नजाकत नहीं है। जब बच्चा चढ़ना सीख रहा हो तब उसे खींचना नहीं चाहिए। ये देखकर मिंडी उसे रोकने आ गई। रवि के लिए सबसे घुलना मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ एक ही महीने का है, इसलिए मां को उसकी हिफाजत करनी होगी। ये जिस इलाके में रहते हैं उसका बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, इसलिए खाने की बहुत कमी है। जेन को सबके लिए खाना ढूंढना होगा। वो झुंड को ऐसी जगह ले जा रहा है जहां और ज्यादा खाना हो सकता है, लेकिन यह सफर बहुत खतरनाक होगा, खासकर झुंड के छोटे बच्चों के लिए। रास्ते की पहली अड़चन है एक नदी। मकैक्स पानी से डरते नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके वो हमेशा सूखे रहना ही पसंद करते हैं। एजे इस बात का ध्यान रख रहा है कि कोई पीछे ना छूटे और बच्चों की मदद कर रहा है। मिंडी अपने दोनों बच्चों को लेकर चल रही है, लेकिन उसमें बहुत गजब की फुर्ती है। वो बाकी बंदरों जितनी ही लंबी छलांग लगाती है। लाइन टेल्ड मकैक्स जैसी छलांग बहुत कम बंदर ही लगाते हैं। दिन भर सफर करने के बाद ये झुंड अब आराम करने जा रहा है। जेन जहां पर इन्हें ले जा रहा है ये अभी भी उस जगह से कई किलोमीटर दूर है, लेकिन रात में आराम जरूरी है। सुबह हो गई है, हल्की बारिश हालात बदलने का इशारा है।
ये मॉनसून से पहले की बारिश है, वैसी मूसलाधार बारिश नहीं जिनका इन्हें इंतजार है, लेकिन इससे भी राहत मिलती ही है। ये बंदर एक टी प्लांटेशन के बाग में पहुंच जाते हैं। ये जगह कभी इस जंगल और इनके घर का हिस्सा थी, लेकिन अब कुछ बेहद विशाल जानवर यहां पर आकर रहने लगे हैं। इन गाय जैसे जानवरों को गार कहते हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर और वजन तकरीबन 900 किलो होता है। इनके विशाल शरीर को देखकर ही कोई भी डर जाता है, और ये सब खाना भी बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन इन्हें चाय के पत्ते पसंद नहीं है। ये चाय के पौधों की कतारों के बीच में उगे घास पौधे खाते हैं, जिससे चाय अच्छे से उग पाती है। मिंडी रवि और नीना को अपने पास ही रखती है। इन्होंने पहली बार इतने विशाल जीवों को देखा है और देख रहे हैं कि कैसे इनका झुंड इन जानवरों से दूर ही रहता है। जेन अपने झुंड को चाय के बाग से दूर ले जा रहा है। एजे फिर से रुककर इस बात का ख्याल रख रहा है कि कोई भी पीछे ना छूट जाए। इस झुंड को रास्ते में एक गांव मिलता है। और अब ये उसे करीब से देखने जा रहे हैं। हो सकता है ये काम की जगह हो और उन्हें यहां पर खाना भी मिल जाए। भले ही यहां पर पेड़ नहीं है, लेकिन कपड़े सुखाने की डोरियां, बिजली की तारें और ड्रेन पाइप्स की मदद से भी ये इस इलाके में घूम फिर सकते हैं। यहां पर खाना मिलने की उम्मीद में मिंडी करीब जा रही है। लेकिन ऊंचे दर्जे की मादा किसी को खुद से पहले आगे नहीं जाने देती। लायन टेल्ड मकैक्स के झुंड में नरों और मादाओं दोनों में ओहदे और दर्जे बहुत अहम होते हैं। झुंड में मिंडी की अहमियत कम है, तो उसे अपनी बारी आने तक रुकना होगा। जिनका ओहदा ऊंचा है, उन्हें जेन की मेहनत से फायदा हुआ। टॉफी का एक थैला, ये पौष्टिक नहीं है, लेकिन इंसानों की तरह ही बंदरों को भी मीठा खाना बहुत पसंद है। जेन को कुछ और मिल गया है। एक शीशा, और वो अपने आप को उसमें देख ही चला जा रहा है। पता नहीं लाइन टेल्ड मकैक्स ये समझ पाते हैं या नहीं कि शीशे में वो अपने आप को ही देख रहे हैं।
और ये सोचता है कि ये हैंडसम कौन है। मिंडी को खाने के लिए छोटी मोटी चीजें मिल गई हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। ज़ेन जानता है कि उसे मुखिया बने रहना है, तो सबके पेट भरने का इंतजाम भी करना होगा। तो वो सबको आगे ले जाता है। लेकिन इन घरों से थोड़ी ही दूर जाकर उनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। रवि और नीना आज पहली बार एक सड़क पर आए हैं। इन नन्हे मकैक्स को नहीं पता कि यहां कितना खतरा है। एक मादा जो पीछे खड़ी है वो इस बात का सबूत है। उसे एक महीने पहले ही एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी। उसकी चोट ठीक नहीं हुई है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। कई बंदर यहां पर मारे जाते हैं। यहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन भूखे झुंड के पास कोई और चारा नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। मिंडी भी कोशिश कर रही है। मौका मिलते ही उसे पार होना है। ये काम बहुत खतरनाक था, लेकिन अब सब सुरक्षित है। रवि और नीना ने सीख लिया कि उन्हें सिर्फ शिकारी जीवों से ही नहीं, बल्कि ऐसी सड़कों से भी बचकर रहना है। रवि की पीढ़ी के बंदर अब इंसानों की बढ़ती आबादी के साथ बदलते हालातों में जिंदगी जीना सीख रहे हैं। सड़क के उस पार अब एक कंक्रीट का जंगल है। लायन टेल्ड मकैक्स के अलावा इस इलाके में लगभग 5 करोड़ इंसान रहते हैं, यानी हर एक मकैक के मुकाबले 14,000 इंसान। इन बच्चों ने ये दुनिया कभी नहीं देखी है। इस शहर से गुजरते हुए ये बंदर यहां मिलने वाली चीजें खा रहे हैं। चावल जैसी चीजों से इन्हें काफी ताकत मिलती है। ज़ेन को एक खुली खिड़की मिल गई है, और इस घर में कोई है भी नहीं। बच्चों के साथ अंदर जाना काफी खतरनाक हो सकता है, तो मिंडी बाहर ही रुक गई। यहां पर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इनमें से कुछ को लोगों ने देख लिया है। और अब ये तुरंत पीछे हट रहे हैं।
इन मकैक्स का यहां पर कोई भी स्वागत नहीं करता है। अब ये बंदर सोच समझकर ऐसे रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं कि वो लोगों की पहुंच से दूर रहे। यहां पर इन्हें काफी अच्छा नाश्ता मिल गया है, लेकिन ये इनकी मंजिल नहीं है। ज़ेन जानता है कि वो अपने झुंड को कहां ले जा रहा है। एक और सड़क। भले ही शहर में लोग इन मकैक्स को भगा रहे थे, लेकिन यहां वो इन बंदरों की कद्र और काफी मदद भी करते हैं। सड़क पर हैंड साइंस लेकर खड़े ये लोग इस झुंड के लिए सड़क पार करना आसान बनाते हैं। आखिरकार इनका सफर खत्म हुआ। इस सड़क की दूसरी तरफ है इनकी मंजिल। एक पेड़ जिस पर ढेर सारे फल आ गए हैं, जिसकी वजह से मॉनसून का इंतजार करते ये जानवर खुद को जिंदा रख पाएंगे। ज़ेन इन सबको जंगल के ऐसे हिस्से में ले आया है जहां मिट्टी बेहद उपजाऊ, गहरी और पोरस है। इस जगह पर ये कटहल का पेड़ फल फूल रहा है। ये पेड़ तकरीबन 100 साल तक जिंदा रहते हैं। तो रवि को एक ऐसी जगह के बारे में पता चल गया है जहां पर खाना मिलता है, और आज उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कटहल भी खाया है। ये फल ज्यादा पकने पर अपने आप नीचे गिरते हैं, लेकिन अभी मॉनसून आया नहीं है तो इस फल को भूखी मिंडी धक्का देकर गिरा देती है। मकैक्स के गालों के अंदर खाना स्टोर करने की जगह होती है, तो मिंडी वहीं पर इस खाने को स्टोर कर रही है। इस तरह ये बंदर बाद के लिए खाना बचा लेते हैं, या इसकी तरह भूखे बच्चों के लिए थोड़ा खाना रख लेते हैं। मकैक्स फल खाते हुए इनके बीज जगह जगह फैला देते हैं, जिससे पेड़ों की तादाद बढ़ती है। लेकिन पूरे जंगल में और फल तभी पैदा होंगे जब यहां पर बारिश होगी, तो इन्हें मॉनसून का इंतजार है। और हाल ही में हुई बारिश हालात बदलने का पैगाम थी। इन काले बादलों के साथ ही वो वक्त आ गया जिसका इस झुंड को बेसब्री से इंतजार था। हल्की बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल जाती है और कई दिनों तक जारी रहती है।
यहाँ की नदियों और नहरों में फिर से ढेर सारा पानी भर चुका है, जिससे यहाँ पर नया जीवन पनपने लगता है। कटहल के पेड़ों पर भी ढेर सारे फल लग चुके हैं। बारिश होने से सभी को बहुत राहत मिलती है। अब जब ये बात पक्की है कि और फल पैदा होंगे, तो अब इन बंदरों को सिर्फ इंतजार करना होगा। कई हफ्ते बीत चुके हैं और मॉनसून की बारिश वेस्टर्न घाट्स में अभी भी जारी है। इतने सारे पानी की वजह से इन बंदरों के पूरे इलाके में कटहल के फल पक चुके हैं। इन शानदार हालातों की वजह से बड़े और मीठे हुए ये फल फ्रूट फ्लाइज के झुंड के लिए दावत की जगह बन जाते हैं। और इस पके हुए फल के गिरने से एक इंडियन मंट जैक का भी बहुत फायदा हो गया है। मॉनसून आने के बाद से जंगल में ढेर सारा खाना है और हमारा नन्हा रवि और ताकतवर बन चुका है। वो अब पेड़ों पर ज्यादा आसानी से चढ़ पाता है, जबकि उसकी बहन नीना अभी भी मां के पास ही रहती है। अपने परिवार को मुश्किल हालातों में सही सलामत रखकर ज़ेन ने साबित किया कि वो एक काबिल मुखिया है। लेकिन यहां इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में जीवन अजीब अजीब तरीकों से आगे बढ़ता है, जिससे कि अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। मॉनसून की वजह से इस इलाके में एक बेहद शानदार नजारा दिखने लगता है। ये नर डांसिंग फ्रॉग्स अपना नाच दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। रवि उत्सुक हो गया और इन्हें करीब से देखने जा रहा है। मेंढक मादाओं का ध्यान खींचने के लिए आवाज निकालते हैं और नाचना शुरू करते हैं। ये पीछे के पैर एक एक करके सीधे करते हैं, जिसके बाद उंगलियों के बीच में काली वेबिंग दिखने लगती है। ये बड़े जोश के साथ नाचते हैं, तभी तो किसी मादा का ध्यान इनकी तरफ खींचेगा। जेलेसी यहां पर भी है।
इसलिए ये लात मारकर दूसरे लोरों को दूर भगाते रहते हैं। कंपटीशन बहुत जबरदस्त है क्योंकि यहाँ हर 100 नरों के मुकाबले एक ही मादा होती है। ये इस उम्मीद में नाचना जारी रखते हैं कि यहाँ से गुजरती हुई कोई मादा इन्हें देखेगी और ये अपनी अगली पीढ़ी शुरू कर पाएंगे। रवि को फिलहाल तो कई सालों तक एक फीमेल साथी ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब उसके झुंड के पास बहुत सारा खाना है तो ये आपसी रिश्ते बनाने में ज्यादा वक्त बिताते हैं। जुड़वा बच्चे इस वक्त का फायदा उठाकर और अच्छे से पेड़ों पर चढ़ना सीख रहे हैं। रवि की हिम्मत बढ़ती जा रही है। उसे लगता है कि अब वो बड़े पेड़ों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसी हिम्मत की वजह से उसकी एक नई शुरुआत होगी। ये अपने कजन्स के साथ खेल पाएगा। ढेर सारे अच्छे अच्छे फल खाकर इसे इतनी ताकत मिल गई है कि इस खेल में शामिल हो सके। लेकिन इन बच्चों को ये नहीं पता कि इनके इस खेल कूद ने दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक का ध्यान खींच लिया है, एक कोबरा, और ये है फुली ग्रोन किंग कोबरा। ये भयानक सांप लंबाई में तकरीबन 6 मीटर तक पहुंच सकते हैं, यानी ये दुनिया के बाकी जहरीले सांपों से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और अगर इन्हें खतरा महसूस हुआ तो हमला करने से ये पीछे नहीं हटते। रवि के खेलकूद का अंजाम जानलेवा हो सकता है तो उसे इस विशाल सांप से जितना हो सके उतना दूर रहना होगा। रवि को खतरा दिख जाता है। इसने पहले सांप देखा है और इसे पता है कि क्या करना है। और उसके पुकार लगाने पर सभी बंदर खेलना बंद कर देते हैं। लेकिन किंग कोबरा जाता नहीं है, वो रवि की तरफ आगे बढ़ने लगता है जो पेड़ पर अकेला बैठा है। नीचे मौजूद वयस्क बंदर भी एक पुकार लगाने लगते हैं। वो सांप की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं। आसमान में एक और खतरा मंडरा रहा है, एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। देखा गया है कि ये चील मकैक्स के बच्चे जितने बड़े शिकार पकड़कर उड़ जाती हैं।
कभी कभी हमारी मदद ऐसे तरीकों से होती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। रवि एक बड़े खतरे से बच गया, मगर सबसे बड़ी बात, उसने आज उस बड़ी मुसीबत से अपने झुंड को बचा लिया है। ये पिछले कुछ महीनों में काफी बेहतर बन गया है। जहां ये कभी एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा था, अब ये इस झुंड का एक अहम सदस्य बन चुका है। इसने बहुत जाबाजी दिखाई है और इसी बात को लेके मिंडी को उस पर बहुत नाज है, लेकिन इसे अभी जिंदगी में बहुत कुछ देखना है। एक नर होने के नाते ये कल को झुंड को छोड़कर जाएगा और अपना एक अलग भविष्य बनाएगा। जानलेवा शिकारी जीव और लगातार बदलती दुनिया इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। लेकिन अभी मिंडी जैसी मां इसे पाल रही है, एजे जैसा मददगार इसकी हिफाजत कर रहा है और अपने पिता जेन से ये काफी कुछ सीख रहा है, तो इस बात के काफी आसार हैं कि रवि भविष्य में अपने खुद के झुंड का मुखिया बनेगा।